नमस्कार, मैं हूं विकास और मेरे साथ मौजूद हैं सबसे लोकप्रिय और कह सकते हैं कि जितने भी अभी तक आपने उनके गाने उनकी एक्टिंग देखी है सब में जो है वो उन्होंने सराहनीय काम किया है और शायद इसीलिए आपके दिल पर वो राज करती हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोनालिसा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत तो बहुत अच्छे हैं मोनालिसा, और आपकी आपके चेहरे पे जो खुशी है उसको देखकर कह सकते हैं कि लॉकडाउन में जितने भी वक्त लोगों ने गुजारा है वो आपकी स्माइल से जो है वो कट जाएगा उनका वक्त। ऐसा अगर सच में हो जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस वक्त यही जरूरत है। पॉजिटिविटी, स्माइल एंड यू नो बी हैप्पी, यही सब कुछ अभी जरूरत है सबके लाइफ में। जी, तो मोनालिसा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे अगर बात अगर COVID-19 की करें, उसके बाद अभी काफी समय बीत गया है, लेकिन जब हाँ प्रधानमंत्री ने आकर जब है ये चीज कहा कि अब लॉकडाउन जो है वो पूरे देश में लागू हो जाएगा, उसके बाद शूटिंग जो है वो भी बंद हो गई, सबको रोक दिया हाँ गया, ट्रेनें रोक दी गई, गाड़ियां रोक दी गई, हाँ सारी चीजें। बिल्कुल आपका समय जो है वो कैसे बीता, अगर आप थोड़ा सा हमको बताएं शुरू से कैसे पूरा पूरे दिन की शुरुआत आप करती थी, क्या क्या आपने इस दौरान किया मोनालिसा? जी अरे बाप रे, 5 महीना हो गया। आई थिंक 17 मई 17 मार्च को मैंने लास्ट शूट किया था। उस जी समय पता चला कि अभी कोरोना के चलते हमारी सारी शूटिंग्स ऐसे बंद किया जाएगा, बट उस समय लॉकडाउन फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ था। लॉकडाउन एक दिन का आई थिंक 22 मार्च को हुआ था एंड 24 मार्च से कंप्लीट लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। तो शुरू में तो थोड़ा लगा ही कि हम रोज शूट पे जाने वालों में से हैं, और नजर टू जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, एक या 1.5 महीना हुआ था। तो रोज रोज जो वो जाने का एक रहता है ना एक्साइटमेंट, उस जी समय थोड़ा सा लगा था कि अरे यार शूट बंद हो जाएंगे। लेकिन जब पता चला कि इस पैंडेमिक और ये जो वायरस है इसका जो अहमियत है, जब रियल में पता चला तो लगा कि हाँ, इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही नहीं है। जी हम सबको सबसे पहले सेफ रहना है और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद काम काम तो आता रहेगा। ये सब सब जब सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, सब प्रॉपर हो जाएगा, तब तो हम काम करते ही रहेंगे। तो जी हम लोग ने 5 महीना एकदम फैमिली के साथ टाइम बिताया। मैं, विक्रांत, मेरी सासू माँ, हम लोग सब फैमिली साथ में ही है मुंबई में। तो ऐसे ही घर पे तो ऐसे ही चल रहे थे, और मेरी फैमिली जो कोलकाता में है उनके साथ वीडियो कॉलिंग और फोन पे बातचीत, यही सब चल रहा था। जी अदरवाइज मेरे मेरा खुद का हम लोगों का खुद का अगर लाइफस्टाइल कैसे था, तो हम लोग सुबह उठते थे। पहले शुरू शुरू में थोड़ा बहुत यू नो प्रॉब्लम होता था, थोड़ा सा चेंज हो गया था ना लाइफस्टाइल, एकदम अचानक से सब जी कुछ बंद, कुछ नहीं मिलता था। यू नो हम ऐसे भी हुआ है कि हम चार लेते थे कि स्टॉक कर लेते हैं यू नो दूध वगैरह एंड ऑल, तो उसमें भी शॉप्स में जाने को मिलता था तो कहते थे कि नहीं दो ही मिलेगा। तो ये दिन भी हम देखे हैं, तो ये सब मेमोरेबल रहेगा लाइफ भर कि 2020 में हम लोग इस दौरान से गुजर रहे थे और अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जी तो हम लोग सुबह उठते थे, फिर ब्रेकफास्ट करते थे, फिर वर्कआउट करते थे, फिर उस समय टिकटॉक्स बहुत बनाते थे। वो एक हम लोगों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टाइम पास हो गया था, प्लस अच्छा भी लगता था बहुत। यू नो खुशी मिलती थी, कॉमेडी होता था एंड यू नो कैमरा के सामने एक्टिंग नहीं करने को मिलता था तो फोन पे ही कर लेते थे। तो जी ये सारी चीजें हम करते थे, डांसिंग वगैरह ये सब तो मेरा है ही। नई नई चीजें सीखने की कोशिश कर रही थी यूट्यूब यूट्यूब देख के, यू नो न्यू वर्कआउट का जो भी है आजकल सब कुछ पॉसिबल है, जो हम जिम में जाके नहीं कर पाते थे वो हम घर पे ट्राई करते थे। तो वो सब कर रही थी, न्यू फॉर्म ऑफ डांसिंग मैं सीख रही थी। विक्रांत बहुत अच्छा पहले से ही कुकिंग करता था, वो भी नए नए यू नो तरीके के वर्कआउट सीख रहा था, यू नो बिना जिम जाए कैसे करे। अच्छा तो और प्लस कुकिंग के भी अलग अलग आइटम्स वो बनाता था एंड मैं खाती थी। अच्छा क्या बात है। अच्छा मोनालिसा, लेकिन एक एक हाँ चीज मैं ये यहाँ पर आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि जब आपने जिक्र किया कि आपकी सासू माँ, आपकी नंद और पूरी फैमिली जो है वो आपके साथ में
मुंबई आ गई थी नहीं, इस ननद लॉकडाउन। नहीं है, ननद की शादी हो गई है, वो फरवरी में ही शादी हो गई थी बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा एंड शी इज हैप्पीली देयर इन वाराणसी। हाँ अच्छा, तो मतलब सासू सासुमा आ और... गई थी तो आपका घर जो है वो हाँ। कह सकते हैं कि ससुराल बन गया था आपका, लेकिन उस मेरी सासुमा यही रहती है। अच्छा आपके घर पे ही रहती है। हाँ, हम लोग सब साथ में ही रहते हैं और कभी कभार जब गांव जाना होता है तो सब लोग मिलके चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा, तो एक एक सवाल यहाँ पर ये है, सबसे बड़ा कह सकता हूँ ये सवाल, जो कोविड में अक्सर जो है वो हम लोगों ने जब लोगों से बात की थी, जो महिलाएं हैं उनसे जब बात की थी, तो उनका ये कहना था कि जो इस कोविड में, क्योंकि छुट्टियां पड़ गई थी मोनालिसा, बहुत सारे लोगों की पड़ जाती है अक्सर गर्मियों की, तो वो लोग अपने घर घर चले जाते हैं, जो महिलाएं होती हैं वो मायके चली जाती हैं अपने। तो इस सब में सबसे बड़ा सवाल यही था मोनालिसा कि जब जब सास घर पे होती हैं और वो ससुराल होता है, बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो मोदी जी ने उससे नाराज इसलिए हो जाती हैं, मतलब ये एक एक, एक गुड जेस्चर के रूप में मैं बात कर रहा हूँ कि वो इसलिए नाराज हो जाती हैं कि आपने लॉकडाउन कर दिया, हमें तो मायके जाने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन मोनालिसा ने अपने ससुराल में ही जो है कह सकते हैं हस्बैंड ने अच्छे लजीज लजीज खाना खिला दिया इनको लॉकडाउन में, तो आपको तो कोई शिकायत नहीं होगी। नहीं, हमें कभी भी कोई शिकायत नहीं है और मेरी सासुमा मुझे बहुत प्यार करती है और उल्टा मुझे लगता है कि आई थिंक मैं इतना बिजी चलती थी, विक्रांत भी अपने शूट पे विद्या सीरियल में इतना बिजी होता था, हम दोनों तो बाहर ही रहते थे और सासुमा हमेशा अकेली रहती थी घर पे, एक है मेड है वो भी है घर पे तो वही देखभाल करती थी, तो लेकिन हम लोगों को इतने महीने एक साथ इतना टाइम वक्त मतलब इतना वक्त बिताने का मौका नहीं मिला। एग्जैक्टली सो बहुत हम लोग सुबह उठते थे और फिर रात को आते थे, तो ये जो वक्त मिला एक दूसरे को और अच्छे से यू नो जानना और सेवा करना और फिर अच्छे अच्छे सब खाना वाना बना के फैमिली में बैठ के एक साथ खाना और फिर हम वीडियोस बनाते थे, तो कभी कभार होता है ना दोनों बना रहे हैं तो कोई कोई तो खींचने वाला चाहिए, तो सासुमा भी कभी कभी हेल्प कर देती थी, तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड बट फाइनली यू नो उस समय तो हमारा ऐसा नहीं था कि हमारे शोज बंद हो जाएंगे, तो जब मई में एक वो झटका लगा था हम दोनों के शोज अफेयर हो गए, तो वो एक दुखदायक बात थी क्योंकि बहुत ही ये बहुत लोगों के साथ ही हुआ होगा एंड प्रोड्यूसर्स का ये जो डिसीजन रहा होगा बहुत ही सोच समझ के उन्होंने लिया है एंड उसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सच में पता ही नहीं था कि फिर से दोबारा कब शूट स्टार्ट कर होगा या कैसे एडवर्टीजमेंट्स आएंगे और कैसे क्या होगा, तो उन्होंने एक वाइज डिसीजन लिया कि ये ऑफेयर कर दिया जाए, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा यू नो नेगेटिव था। तो इसका इम्पैक्ट मोनालिसा पड़ा आपके जीवन में, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि एक एक अच्छी खासी मोटी रकम जो है वो एक्टर्स को मिलती है, लेकिन जब इस तरीके से जब इस तरीके से जब परेशानियां आती हैं तो उसका इम्पैक्ट जीवन पे पड़ता है क्या मोनालिसा, ये मैं जानना चाहता था। मोटी रकम का तो नहीं पता, आप बोल रहे हैं मोटी रकम बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मतलब एक वो होता है ना जैसे नौकरी टाइप तो था ही डेफिनेटली, और वो एक अलग ही फीलिंग होता है कि हम रोज शूट पे जाते हैं क्योंकि हम आर्टिस्ट लोग यू नो एक्टिंग के भूखे होते हैं, पैसे से भी ज्यादा मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग करना है, मुझे कैमरा फेस करना है, ये इसका भूख मुझे ज्यादा है। तो जब वो ऑफर हुआ तो फिर मन तो लगा, दुख तो हुआ, लेकिन फिर ये होता है ना हम लोग पॉजिटिविटी के साथ ही रहते हैं, विक्रांत मेक्स मी सो पॉजिटिव, ही सेड कि कुछ भी अगर होता है ना तो वो अच्छे के लिए होता है, तो अभी अगर जो कुछ भी अभी आएगा, 2 साल हम नजर के साथ थे, अभी जो आएगा तो वो डिफरेंट कुछ आएगा, एक अलग रूप में तुमको तुम्हारे फैंस लोग देखेंगे एंड तुम्हें फिर से पसंद करेंगे, तब तक हम सोशल मीडिया में भी एक्टिव हैं ही, लोग हमें देख रहे हैं और आप लोगों के थ्रू भी लोगों से बात कर रही हूँ, तो डेफिनेटली हमारा कनेक्शन ऑडियंस के साथ तो है ही जी। तो वैसे ही और ये बिल्कुल सही कहा आपने, मैं वैसे दर्शकों को मैं भी जो हम जो इस वक्त सुन रहे हैं हमारे श्रोतागण उनको भी ये बताऊंगा कि अक्सर मैं भी कई बार इंटरव्यू करने के लिए जब भी जाता था मोनालिसा के यहाँ पर, विक्रांत और मोनालिसा का जो जेस्चर होता है हम लोगों के प्रति, मीडिया वालों के प्रति, वो बहुत ही पॉजिटिव होता है
मैं तो किचन में भी जा चुका हूँ मोनालिसा के, वहाँ पर हम लोगों ने एक स्टोरी भी की थी, आपको याद होगा मोनालिसा। राइट राइट जी। हाँ। खाने को लेकर बहुत अच्छी स्टोरी की थी, उसमें विक्रांत बना रहे थे और मोनालिसा उनकी हेल्प कर रही थी। और क्या बनाई थी, पैनकेक बनाई थी ना कुछ? हाँ, कुछ केक बना रही थी और आपने वादा भी किया था विक्रांत ने कि वो नॉनवेज बहुत अच्छा बनाते हैं, तो हाँ, आप हाँ, आप जब जब भी वहां पर आएंगे, घर पर आना होगा आपका, तो आपको वो खिलाया जाएगा। तो लेकिन कुल मिलाकर जो आप लोगों का जेस्चर होता है लोगों से बात करने का, वो वाकई काबिले तारीफ है। शायद इसीलिए आपको इतना प्यार मिलता है, मोनालिसा विक्रांत आपको भी इतना प्यार पब्लिक देती है। लेकिन ये तीन कोई तीन चीजें जो हैं जो आपने इस दौरान सीखी लॉकडाउन में मोनालिसा, अगर वो मैं जानना चाहूँ तो वो क्या होगी? और कुछ जो महिलाएं इस वक्त सुन रही हैं हमको, उनको अगर कोई रेसिपी उन तीन चीजों की देना चाहें आप, तो कोई तीन चीज रेसिपी इन द सेंस खाने के लिए, खाना कुकिंग, खाना जिम या कुछ भी जो जो आपने सीखा हो? कुकिंग तो मैंने कुछ नहीं सीखा है, बिकॉज मैं अगर किचन में चली जाती हूँ तो सबको टेंशन हो जाता है, अरे यार आज पता नहीं क्या खाने को मिलेगा, ये ड्रॉबैक है। बट मैं सामने सामने रहती हूँ, थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करती हूँ कि देखूँ थोड़ा तो कुछ तो सीख जाऊँ अगर हो पाए, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है। और हाँ, सही में मैं सल्यूट करना चाहूँगी जो भी किचन में यू नो महिलाएं होती हैं, जो सुबह से लेके शाम तक यू नो तीन से चार बार खाना बनाना पड़ता है, दे आर रियली वेरी वेरी हार्ड वर्किंग लेडीज आई कैन सी। तो मैंने सीखा है, एक तो हम लोगों में पेशेंस बहुत आया है, ये सबसे बेस्ट थिंग है, हम दोनों के अंदर वो आया है एंड पॉजिटिविटी बहुत आई है। नई चीज में मैंने यूट्यूब से देख देख के वर्कआउट बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि यू नो जस्ट एक मैट आप लगाओ और आपको कोई मशीन्स या डंबल्स इसकी भी जरूरत नहीं है जी। आप जस्ट और उस योगा आप कर सकते हो, और कुछ ऐसे बहुत हल्की फुल्की जो बिगिनर्स है उनके लिए भी जो जस्ट फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि अभी हम लोगों का मूवमेंट नहीं हो रहा है, हम लोग बाहर नहीं जा रहे थे, तो यू नो वर्कआउट के थ्रू आप अपना माइंड भी बहुत पीसफुली रख सकते हैं अपने माइंड को, और प्लस आपका बॉडी भी अच्छा रहेगा एंड आप, और सच में अगर आप योगा करते हैं तो उसमें भी आपको एक अलग ही पॉजिटिविटी मिलती है, पीस मिलता है एंड स्ट्रेंथ एक अलग वे में आपको आ जाता है। सो दैट इज वन थिंग आई लर्न्ड। एंड डांस भी मैं कुछ अलग अलग फॉर्म्स की मैं ट्राई करती रहती हूँ, देख देख के कि मैं वैसे कर पाऊँ, क्योंकि मुझे डांसिंग बहुत पसंद है, ये दूसरी चीज। एंड तीसरी चीज यू नो लव अफेक्शन, फैमिली के लिए बहुत सारा टाइम यही किया है अभी, और क्या, और कुछ याद नहीं आ रहा है। अच्छा, इतनी वैसे बहुत 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 सारी चीजें हो गई हैं अगर और आपको हम लोग देख रहे हैं। मैंने घर के काम भी किया है बहुत, मैं घर का साफ सफाई ये सब जो। अच्छा, ये किया आपने? हाँ बिल्कुल किया है मैंने सारा साफ सफाई, लेकिन मैं अपनी जो पर्सनल रूम है वो मैं खुद से हमेशा ही करती थी, लेकिन इस दौरान मैंने झाड़ू पोछा यू नो और अलमारी एकदम साफ सफाई करके रखना, बालकनी और फिर हर एक छोटी छोटी चीज यू नो जो जहाँ पे यू नो धूल वूल होता था उस सब कुछ हटाना एंड ऑल, वो सब मैंने किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी चीज है, मतलब ये एक लॉकडाउन में एक अच्छी चीजें जो है आपने की है, जिसका इम्पैक्ट ऑडियंस पर भी जरूर पड़ेगा, जो आपने जो जो चीजें बताई हैं उनको लेकर। आई एम श्योर कि सभी ने किया होगा जी। बिल्कुल, सब लोगों ने किया है, प्रयास तो किया ही होगा सब लोगों ने, फिर अच्छा हुआ या नहीं वो फीमेल से ज्यादा मेल लोग भी किए होंगे, जो मेल हमारे ऑडियंस है उन्होंने भी बहुत काम किया होगा घर पे बैठ के। अच्छा अच्छा मोनालिसा, ये तो बात हो गई कि आपने काम किया ये, अब मुझे ये भी जरा बता दीजिए कि विक्रांत से क्या का काम करवाया आपने? नहीं, मुझे ना पता नहीं क्यों शुरू से ही घर के काम में उनको इन्वॉल्व करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लाइक आई कांट सी हिम यू नो डूइंग झाड़ू पोछा एंड ऑल, बट मुझे पर्सनली ऐसे ही घर पे अच्छा नहीं लगता है। बट डेफिनेटली ऐसे भी अगर रियलिटी शोज है जहाँ पे अगर कभी वो जाए तो उनको करना हो सकता है। अच्छा। तो हाँ, तो उस समय ठीक है, बट ऐसे घर पे मुझे गुड इन कुकिंग,
क्योंकि वो जब हाँ मेरी ननद भी होती है या फीमेल भी होती हैं उनसे ज्यादा अच्छा वो बनाते हैं, इसीलिए ही कुक्स वेरी वेल. तो उतना तक ही ठीक है. अदरवाइज ही डज हिज जिम वर्कआउट अच्छा अच्छे से करते हैं. कभी कभार मेरे अच्छे अच्छे फोटोज भी खींच देते हैं. अच्छा नहीं, वो तो दिखता है, हम लोग आपको सोशल मीडिया पर जब फॉलो करते हैं तो बहुत सारी फोटोज ऐसी आती हैं कि मतलब वाकई बार बार आदमी देखता है उसको। और ये मोनालिसा, जैसा कि मतलब ये आपने कहा है कि तैयारियां तो हो ही गई हैं, ऐसी तैयारी जो है आप खुद रियलिटी शो का हिस्सा बनी हुई है मोनालिसा, हाँ और तो हाँ अब ये भी मैं कह सकता हूं कि विक्रांत भी अब पूरे पूरे तैयार हैं रियलिटी, अगर इस तरीके का कोई रियलिटी शो आता है और उसमें हमको दिखाई दें आगे जाकर, तो उसकी तैयारी बिल्कुल, आपने हम करवा विक्रांत दिया। पहले से ही तैयार थे. तैयार तैयारी क्या करना है, यू जस्ट हैव टू बी योर सेल्फ. तो रियलिटी शो है तो रियल रहना है, जैसे वो हैं वैसे ही वो रहेंगे. तो जैसे अभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे घर पे घर के जो काम है वो जब वो नहीं करते हैं, हो सकता है वहां जाके भी ना करने की कुछ ऐसा उनको आए मन में, हाँ वो भी एक कुछ पता नहीं वो क्या करेंगे वहां जाके. जी बट हाँ, अगर ऐसा कुछ आएगा तो डेफिनेटली वो तो जाएंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा. और क्योंकि मैंने भी 3 महीना वहां गुजार के आई हूँ, बिल्कुल तो उनको भी वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन ही विल ऐसा होता है, ऐसा हम लोगों ने देखा है लाइक मोनालिसा कि जैसे अगर आप क्रिकेट खेलते हो पहले से, अगर क्रिकेट में आपकी रुचि है और आप खेलते हैं, लेकिन अगर कोई हाँ पहले से खेलने वाला आपको सिखा दे कि ऐसे बॉल आ सकती है या बॉल को इस तरीके से फेस करना है, तो वाकई वो कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है। आप 3 महीने रह चुकी हैं वहां पर, और हाँ नहीं, बट वहां मैं कुछ भी सिखाती हूँ तो ये सिखाने की उसमें नहीं हूँ मैं. जी मैं क्या सिखाऊंगी, मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि जैसे हो वैसे ही रहो, बस इतना ही बोल सकती हूँ. कुछ मैं ऐसे टैक्टिक्स सिखा नहीं सकती कि यही करना, बिकॉज एवरी टाइम एवरी ईयर इट्स चेंजिंग. तो आप कुछ प्लान करके तो नहीं जा सकते. बिल्कुल एंड अगर ज्यादा प्लान करोगे या कुछ भी करोगे ना, आई थिंक वो दिखता है एंड वो फेक लगता है, विच आई डोंट वॉन्ट हिम टू बी. आई वॉन्ट हिम कि अगर वो जाए तो वो वही वैसे ही करे जैसे वो हैं, एंड जी। वही पीपल विल लाइक. और मोनाली सर, मैंने जहां तक मैं जानता हूं विक्रांत को, काफी हम लोगों का करीबी रिश्ता है, हम लोग कई बार हम लोग मिले हैं, मैं आता भी था जब घर पे इंटरव्यू के लिए आपके, तो विक्रांत से, तो विक्रांत का जो स्वभाव है बहुत ही डाउन टू अर्थ है, कह सकते हैं कि शांत स्वभाव है, जो कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं है. जो अब डाउन जो टू हमको अर्थ, दिखता है। जी ऑफ कोर्स. अब आप आएंगे, अब जो फ्रेंड्स होंगे फ्रेंड्स के साथ तो अच्छे से ही रहेंगे, अच्छा वो हर कोई होगा. बट नहीं, पता अगर लग उनको जाता है ना उसमें कुछ इंसान का गलत कि हाँ दिखता वो है, जी हाँ कुछ अगर गलत कहीं दिखता है या कहीं कुछ रॉन्ग दिखता है, तो कभी कभार ऐसा जैसे मैं हूँ, मैं रॉन्ग अगर देखती हूँ तो कभी कभार मैं अवॉइड कर जाती हूँ. हाँ मैं उतना वो नहीं करती, बट ही रिएक्ट, तो वो उसका डिफरेंट रहता है. तो दोस्तों के साथ तो दोस्त ही करेंगे, बट जो दोस्त नहीं होते हैं या फिर कुछ गलत कहीं हो कोई रहा होता पंगा है पंगा तो लेगा पंगा तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं, ले लेता है. हाँ वही वही है ना, उसे छोड़ेंगे भी नहीं। तो बहुत ही मतलब आपसे अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद आपसे बात हुई है मोनालिसा, और जो कि आपने जितनी सारी चीजें हमको बताई, कुछ लोग जो हैं वो जानना भी चाहते थे, जैसे कि अभी मैं आपसे बात करूं, एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, किलोनी गांव है अयोध्या में पड़ता है, वहां पर एक सुनील है, वो क्रिकेट खेलते हैं, तो जी सुबह सुबह उठ के जब वो क्रिकेट खेलते, तो उनका एक सवाल ये था आपसे कि मोनालिसा को जब भी हम देखते हैं वो हमेशा फिट नजर आती हैं, तो ये फिटनेस का राज क्या है मोनालिसा का? ये फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी आंखों में है, मुझे लगता है उनको मैं बहुत पसंद हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, वो तो इसीलिए है वो जी। जैसे ही जब भी देखते हैं, जब मैं थोड़ी बहुत अनफिट भी रहती हूँ तब भी उनको मैं फिट ही देखती हूँ ऐसा हो, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ ना. बट इस लॉकडाउन के टाइम डेफिनेटली आई हैव वर्कड आउट एंड मैं मेहनत किया है, तो आई थिंक लोगों को अच्छा लगेगा बिल्कुल जब मैं स्क्रीन पे आऊंगी वापस. बिल्कुल अच्छा लगेगा। और एक रवि आपके बहुत बड़े फैन हैं मोनालिसा रवि, हाँ वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं कि क्योंकि एक्टिंग में जब उन्होंने शुरू से जब देखा हम लोग देखते हैं आपको,
तो जो बदलाव आप में नजर आए हैं, जो ग्रूम अप आपने अपने आप को किया है, उसके हाँ। उसके पीछे का कोई रीजन, आपका कोई मेंटर है, उनका सवाल ये था। फर्स्ट ऑफ ऑल रवि जी हेलो, एंड मैं यही कहना चाहूंगी कि जब से मैंने शुरू किया है ना, मैंने खुद अपने आप को देखा है कि मैंने करते करते ही सीखा है, यू नो, क्या मैं एकदम शुरू का जो मैंने एक्टिंग किया था या जो भी परफॉर्म किया था, वो मैं उस समय का देखती हूँ ना और आज का देखती हूँ, तो आई थिंक कि मुझ में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं एंड बहुत मैंने अपने आप को चेंज कर पाई हूँ। तो वो करते करते ही मैंने सीखा है, यू नो, मैं जितना कैमरा फेस किया, जितनी फिल्में किया, अलग अलग कैरेक्टर्स किया, अलग अलग किरदार किया, वो करते करते मुझे और ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ है और उसी से वो चेंजेस आई थिंक लोगों में दिख रहा है। प्लस मैं जब मैं भोजपुरी मूवीज करती थी तो उस समय मैं हमेशा पॉजिटिव रोल्स ही ज्यादा करती थी, फिर मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि मैं कभी नेगेटिव किरदार कर पाऊंगी, बट नजर ने मुझे एक अलग, टोटली अलग गेटअप एंड अलग किरदार दिया, करने का मौका मिला मुझे, एंड माय डायरेक्टर्स दे हेल्प मी एंड दे प्रेजेंटेड मी ऐसे कि सच में वो लोगों को बहुत अच्छा लग गया। तो यही चेंजेस धीरे 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 हर साल हर दिन सीखते सीखते ये चेंजेस आए हैं आई गेस, एंड फिर आगे भी मेरा जो कुछ भी आएगा जो कि बहुत जल्द आएगा उसमें भी लोगों को आई थिंक डिफरेंस दिखेगा। जी, तो इसमें मोनालिसा जो आपका जो पूरा अभी तक की जर्नी रही है वो वाकई एक एक प्रभावशाली जर्नी रही है और जी बिल्कुल, और लोगों को प्रेरित करती रही है। लेकिन अभी इस दौरान जब लॉकडाउन के दौरान हमने देखा है कई सारी चीजें, आपने भी देखा होगा कि ये बॉलीवुड के लिए 2020 बहुत ही कह सकते हैं दुखद साल रहा है। इसमें हमने बहुत बड़े बड़े अभिनेता खोए हैं, चाहे वो ऋषि कपूर साहब हो, इरफान खान हो, सुशांत सिंह राजपूत हो, तो और उसके बाद बहुत सारे ऐसे हमने जी जो खोए हैं। क्या लगता है आपको, अगर आप, क्योंकि आप इंडस्ट्री से ही हैं मोनालिसा, आपको क्या लगता है कि ये जो दौर अभी जा रहा है इसको किस तरीके से खुद को मोटिवेट करना चाहिए इसमें, रेदर देन जस्ट लुकिंग फॉर समथिंग विच इज नेगेटिव? एक्चुअली मैं जब भी ये सब जब हो रहा था ना, मैं खुद बहुत बहुत ज्यादा क्या बोलूं, मैं बता नहीं सकती मेरी फीलिंग्स कैसी हो रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या हमें रोज कुछ ना कुछ ऐसे सुनने को मिलेगा, क्या रोज सुबह उठ के हमें कुछ ऐसी दुखद खबर सुनने को या देखने को टीवी में जैसे देखने को मिलेगा। तो उससे ना मैं बहुत इफेक्ट हो जाती थी, मैं अंदर से बहुत टूट चुकी थी एंड अभी भी डर लगता है कि मतलब फिर से कुछ ना हो जाए, क्योंकि सिर्फ ऐसे दुखद खबर सिर्फ डेथ्स ही नहीं जी। हर जगह पे बाढ़ आना, यू नो, ऐसे ब्लास्ट हो जाना और भी कई सारी चीजें इस दुनिया में होता जा रहा है, कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ हो रहा है जी। जो कि बहुत मुझे इफेक्ट किया है एंड जब भी मैं इस टॉपिक में आती हूँ ना तो मैं खुद बहुत ही यू नो मुझे रोना आता है एंड मैं बता नहीं सकती मेरी फीलिंग्स, अगर सामने से देखेंगे तो ही पता चलेगा कि मैं किस लेवल यू नो वो हो जाती हूँ। इसीलिए मैं ना चाहती हूँ कि अभी ये नेगेटिव चीजें ना मेरे से थोड़ा दूर रहे, मैं ना सुनूं या मैं ना देखूं, ऐसा मुझे फील होता है। बट फिर एट द सेकेंड मोमेंट में फिर मैं यही सोचती हूँ नहीं, हमको स्ट्रांग रहना है, अगर हम स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा, यू नो, फिर मैं और नेगेटिव जोन में चली जाऊंगी, विच इज नॉट गुड फॉर मी एंड फॉर एनीवन। सो इसीलिए अपने आप को स्ट्रांग रखना है, जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो मुझे लगता है भगवान जी को क्या मंजूर है क्या हो रहा है, बट सब कुछ धीरे 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 आई थिंक ठीक हो जाएगा, ये एक दौर है और ये चला जाएगा। बिल्कुल, ये भी एक दौर है जो चला जाएगा, ये बहुत अपने सही और सटीक बात कही है इस दौर में। मोनालिसा, मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपने इतना समय दिया हमसे बात करने के लिए, बहुत सारी आपने बातें बताई और वाकई जो है वो आपको जितने भी आपके फैंस हैं वो ये यही उम्मीद भी लगा रहे हैं और शुभकामनाएं भी आपको दे रहे हैं।
कि जल्द से जल्द वो जो है वो अब बड़ी स्क्रीन पर भी आपको जो है वो लोग देखें, चाहे किसी वेब सीरीज के जरिए या फिर फिल्म के फिल्मों के जरिए। हाँ, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं, एंड आप लोगों को भी यही कहूंगी, प्लीज आप लोग घर पे जो रहिए, स्टे सेफ एंड योगा करिए, एंड मन को बहुत शांति मिलता है योगा करने से, पीस होती है, और आप लोग स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप लविंग मी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे बात करने के, थैंक यू सो मच मोनाली सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।